गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। इन लास्ट क्लास वी कंप्लीट फिजिकल कैरेक्टर ऑफ हेलो एल्केन। टुडे वी स्टार्ट ऑप्टिकल रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एल्केन। जो लाइट है उसके लिए हेलो एल्केन की क्या रिएक्टिविटी होती है। देखो, अपन ने पीछे हेलो एल्केन में जो सी एक्स बॉन्ड होता है उसकी नेचर के बारे में स्टडी किया था, और अपन ने कहा था कि हेलो एल्केन में फोर टाइप्स के क्या होते हैं सी एक्स बॉन्ड होते हैं, सी एफ, सी सी एल, सी बी आर एंड सी आई। और अपन ने बताया था कि इनमें जो सबसे वीक बॉन्ड कौन सा होता है, सी आई बॉन्ड होता है। सबसे वीक कौन सा होता है, सी आई, बिकॉज जो आयोडीन है आयोडीन का साइज क्या होता है, लार्ज होता है। आयोडीन का साइज लार्ज होता है इसलिए इस बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होती है, हाई होती है। और जिस बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ हाई होती है वो क्या होता है, वीक होता है। तो ये जो सी आई बॉन्ड है वो सबसे ज्यादा क्या होता है, वीक होता है। अब ये वीक होता है तो ये इजीली ब्रेक हो जाएगा। अब ये इजीली ब्रेक होगा इसलिए जो आयोडो एल्केन है, आयोडो एल्केन की जो रिएक्टिविटी है वो सबसे ज्यादा क्या होगी, हाई होगी। तो डिफरेंट हेलो एल्केन में मैक्सिमम रिएक्टिव कौन सा होता है, आयोडो एल्केन होता है, बिकॉज इसमें जो सी आई बॉन्ड है वो सबसे ज्यादा वीक होता है, इजीली ब्रेक हो जाता है। तो ये रिएक्टिविटी है वो सबसे जल्दी करेगा। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो इस टाइप से होता है। हेलो एल्केन्स में रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर है वो इस टाइप से होता है। अब देखो, यही हेलो एल्केन में रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है एंड लास्ट क्लास में जो अपन फिजिकल करेक्टर कर रहे थे उसमें अपन ने लास्ट में पॉइंट पढ़ा था बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट में अपन ने पहले डिफरेंट कार्बन वाले हेलो एल्केन के लिए बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर किया था, और फिर अपन ने जो आइसोमर हेलो एल्केन है जिनमें नंबर ऑफ कार्बन क्या हो, सेम हो, उनके लिए बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर स्टडी किया था। और यदि के हेलो एल्केन में कार्बन चेन क्या हो, सेम हो, यहां कार्बन चेन क्या है, सेम है, आर 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 आर, लेकिन हेलोजन क्या है इनमें, डिफरेंट है, इसमें फ्लोरीन, इसमें क्लोरीन, इसमें ब्रोमीन और इसमें आयोडीन। तो ऐसे हेलो एल्केन का आपको बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है वो लिखना हो तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर भी इनके लिए यही होता है। तो इन हेलो एल्केन्स के लिए रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी यही है और इनके लिए बॉइलिंग पॉइंट है उसका ऑर्डर भी यही है। अब बॉइलिंग पॉइंट है वो डिपेंड करता है टू मॉलिक्यूल्स के बिटवीन इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स पे। तो यहां पे देखिए, आयोडीन है, फ्लोरीन है, ये आता है 9 पे, क्लोरीन 17 पे, ब्रोमीन 35 पे एंड आयोडीन 53 पे। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा किसके पास है, आयोडीन के पास है 53। तो आयोडीन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, हाई है। आयोडीन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, हाई है। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, इस रीजन से आयोडो एल्केन के टू मॉलिक्यूल्स के बिटवीन अट्रैक्शन फोर्स यहां पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो यहां टू मॉलिक्यूल्स के बिटवीन अट्रैक्शन फोर्स हाई होगा ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट है वो मैक्सिमम किसके लिए होगा, आयोडो एल्केन के लिए।
तो ये ऑर्डर है वो रिएक्टिविटी के लिए भी है और ये ऑर्डर बॉइलिंग पॉइंट के लिए भी है। रिएक्टिविटी का रीजन अपन ने बता दिया कि ये जो सीआई बॉन्ड है वो इसमें बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम होती है, इसलिए क्या होता है वीक होता है, इसलिए इजीली ब्रेक हो जाता है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी सबसे हाई होगी। और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर अपन ने बता दिया कि यहां आयोडीन है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है मैक्सिमम है, इसलिए टू मॉलिक्यूल्स के बिटवीन इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा हाई होगा, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू भी आयोडो एल्केन के लिए क्या होगी हाई होगी। अब देखिए तो अपन ने बता दिया कि रिएक्टिविटी है वो सबसे ज्यादा किसकी है आयोडो एल्केन की। अब अपन कर रहे हैं ऑप्टिकल रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एल्केन। तो रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा आयोडो एल्केन की है, तो लाइट के साथ सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा आयोडो एल्केन होगा। तो देखिए आयोडो एल्केन है वो लाइट के साथ किस टाइप से रिएक्शन करता है, ये अपन ने ले लिया आयोडो एल्केन। और ये रिएक्शन किसके साथ करवाने अपन को लाइट के साथ, तो आयोडो एल्केन के यहां पे लेंगे टू मॉलिक्यूल। अब ये सीआई बॉन्ड क्या है वीक है तो ये इजीली ब्रेक हो जाएगा। अब ये ब्रेक होगा तो टू आयोडीन है, टू आयोडीन एटम मिलकर के बना लेंगे आई टू, ये फॉर्मेशन होगा हो गया आयोडीन मॉलिक्यूल का। अब यहां पे टू आर मिलकर बना देंगे आर सिंगल बॉन्ड आर, और आर सिंगल बॉन्ड आर क्या है कार्बन एंड कार्बन के बिटवीन क्या है सिंगल बॉन्ड, तो ये है एल्केन। तो इस टाइप से आयोडो एल्केन के टू मॉलिक्यूल लाइट की प्रेजेंस में एक तो एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं और साथ में आयोडीन का फॉर्मेशन करते हैं। अब देखिए यहां पे एज ए आयोडो एल्केन ले लेते हैं अपन, आयोडो मेथेन, क्या ले लिए ये आयोडो मेथेन, और आयोडो मेथेन के ले लिए टू मॉलिक्यूल। रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट टू आई मिलकर के बना लेंगे आई टू। अब यहां पे टू सी एस थ्री बना लेंगे सी एस थ्री सिंगल बॉन्ड सी एस थ्री, तो टू कार्बन के लिए एथ एंड सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो ये फॉर्मेशन हो गया किसका एथेन का। अब देखिए यहां पे जो एल्केन का फॉर्मेशन हुआ है उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं टू, जबकि यहां पे जो आयोडो एल्केन लिया था उसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या है वन, तो यहां पे जो एल्केन ऑप्टेन होता है वो क्या होता है हायर एल्केन होता है, यानी उस एल्केन में नंबर ऑफ कार्बन है वो लिए गए हेलो एल्केन से क्या होता है डबल होते हैं। अब देखिए जैसे यहां पे अपन को फॉर्मेशन करना है किसका ब्यूटेन का, किसका ब्यूटेन का, तो इधर लेना पड़ेगा अपन को आयोडो एथेन। आयोडो एथेन और ये आयोडो एथेन के टू मॉलिक्यूल लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे, एक तो आयोडीन, अब ये 2C2H5 है, नंबर ऑफ कार्बन 4 एंड सिंगल बॉन्ड N, नंबर ऑफ कार्बन 4 है तो ब्यूट सिंगल बॉन्ड के लिए N, तो ये फॉर्मेशन हो गया ब्यूटेन का। तो ये ऑप्टिकल रिएक्टिविटी है किसकी आयोडो एल्केन की। तो आयोडो एल्केन है वो लाइट की प्रेजेंस में एक तो आई टू का फॉर्मेशन करता है और साथ में हायर एल्केन का फॉर्मेशन करता है। और ध्यान रहे यहां पे आयोडो एल्केन के टू मॉलिक्यूल है वो यूज में लेने।
अब अपन करेंगे केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन की जो केमिकल रिएक्शंस है वो किस टाइप की होती है और कितनी होती है। अब देखिए केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एल्केन, तो हेलो एल्केन है वो फोर टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस है वो शो करते हैं। फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इनकी फर्स्ट केमिकल रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन के लिए S, न्यूक्लियोफिलिक के लिए N, तो इसको शॉर्ट में कहा जाता है SN रिएक्शन। सेकेंड एलिमिनेशन रिएक्शन, सेकेंड है एलिमिनेशन रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन विद मेटल्स एंड फोर्थ रिडक्शन ऑफ हेलो एल्केन। तो ये फोर टाइप्स की केमिकल रिएक्शन है वो शो करते हैं फॉर हेलो एल्केन। अब देखिए यहां पे सबसे पहले अपन स्टडी करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN रिएक्शन। तो देखिए ये जो रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये हेलो एल्केन का मेन केमिकल करेक्टर होता है। यानी हेलो एल्केन है वो मोस्टली कौन सी रिएक्शन शो करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यदि आपको पूछ लिया जाए कि हेलो एल्केन है उसका मेन केमिकल करेक्टर है वो कौन सा होता है, मोस्टली हेलो एल्केन कौन सी रिएक्शंस है वो इजीली शो करते हैं, तो ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन एनी न्यूक्लियोफाइल, अब न्यूक्लियोफाइल है उस पे होता है नेगेटिव चार्ज। न्यूक्लियोफाइल पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब देखिए ये एटम है और एटम के सेंटर में अपन शो करते हैं किसको, न्यूक्लियस को। एटम के सेंटर में किसको शो करते हैं, न्यूक्लियस को। अब देखिए न्यूक्लियस है उसमें चार्ज देखिए कौन सा होता है, पॉजिटिव। न्यूक्लियस में चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव। तो न्यूक्लियोफाइल का मीन क्या है, जो पॉजिटिव की तरफ क्या हो, अट्रैक्ट हो। न्यूक्लियोफाइल का मीन क्या है, जो किसकी तरफ अट्रैक्ट हो, पॉजिटिव की तरफ। न्यूक्लियो यहां पे लिया गया है किसके से, न्यूक्लियस के लिए, और न्यूक्लियस में चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, जो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और अपन को पता है कि पॉजिटिव की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव। तो जो न्यूक्लियोफाइल है उसको शो किया जाता है एन यू माइनस से। न्यूक्लियोफाइल की स्पेलिंग से आ गया एन यू, और इस पे नेगेटिव चार्ज होता है इसलिए माइनस।
तो न्यूक्लियोफाइल को शो करते हैं एनयू माइनस से। इन दिस रिएक्शन एनी न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट द हैलोजन एटम ऑफ हेलो एल्केन एज एक्स माइनस। तो इन रिएक्शंस में क्या होगा कि कोई न्यूक्लियोफाइल है वो हेलो एल्केन का जो हैलोजन एटम है उसको एज एक्स माइनस क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो यहां पे भी नेगेटिव है और एक्स माइनस पे भी क्या है, नेगेटिव है। यानी यहां एक नेगेटिव चार्ज वाला दूसरे नेगेटिव चार्ज वाले को क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट। और नेगेटिव चार्ज वाले को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल। यानी यहां पे वन न्यूक्लियोफाइल है वो अदर न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा। तो देखिए इसलिए इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को अपन कैसे शो करेंगे, देखिए RX ये अपना हो गया हेलो एल्केन, ठीक है, और इस पे अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। यहां कोई भी स्पीसीज हो सकती है जिसपे चार्ज क्या हो, नेगेटिव हो, जैसे OH माइनस, CN माइनस, ऐसी कोई भी स्पीसीज जिसपे क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो, तो इनको अपन कहेंगे न्यूक्लियोफाइल। तो यहां हेलो एल्केन पे अटैक करता है कौन, न्यूक्लियोफाइल। अब देखिए यहां पे क्या होगा, हेलो एल्केन में बॉन्ड है CX बॉन्ड, और अपन ने कहा था कि CX बॉन्ड का नेचर कैसा होता है, पोलर होता है। CX बॉन्ड का नेचर कैसा होता है, पोलर। तो यहां पे कार्बन एंड हैलोजन के बिटवीन बॉन्ड है और कार्बन और हैलोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, किसकी, हैलोजन की। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे, हैलोजन की तरफ। तो ये हैलोजन यहां से एग्जिट हो जाएगा, लीव कर देगा एज ए एक्स नेगेटिव, और यहां कार्बन चेन पे आ जाएगा पॉजिटिव। अब इस कार्बन चेन पे पॉजिटिव है तो इस पॉजिटिव पे अटैक कर देगा एन यू नेगेटिव, यानी अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। तो आर प्लस एन यू माइनस, ये बन गया आर एन यू, आर एन यू है प्रोडक्ट, ठीक है, और यहां से ये निकल गया एक्स माइनस हैलाइड आयन। तो यहां पे आप देख रहे हो एन यू माइनस ने एक्स माइनस को क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट। पहले R के साथ अटैच था X, प्रोडक्ट में R के साथ अटैच है NU, यानी यहां पे NU माइनस ने X माइनस को क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, और ये है न्यूक्लियोफाइल। तो एक न्यूक्लियोफाइल ने अदर न्यूक्लियोफाइल को क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। इसलिए इस रिएक्शन को कहा जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है इसकी जो मैकेनिज्म है वो टू टाइप्स की होती है, इसकी मैकेनिज्म है वो टू टाइप्स से होती है। देखिए
अब अपन करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एसिड रिएक्शन। तो देखिए इसकी मैकेनिज्म है, वो टू टाइप से होती है। फर्स्ट है यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब देखिए यूनिमॉलिक्यूलर मतलब वन मॉलिक्यूल, यूनिमॉलिक्यूलर मतलब वन मॉलिक्यूल, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन के लिए एस, न्यूक्लियोफिलिक के लिए एन, और यूनिमॉलिक्यूलर यानी वन मॉलिक्यूल तो एस एन के ऊपर लगा देंगे वन। तो इसको शॉर्ट में शो करते हैं एस एन वन रिएक्शन से। एंड इसकी सेकेंड मैकेनिज्म है बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब बाई मॉलिक्यूलर मतलब, बाई मतलब टू मॉलिक्यूल, तो ये इसको शो करते हैं एस एन टू रिएक्शन से। तो जो एस एन रिएक्शन है हेलो एल्केन की, उसकी मैकेनिज्म है वो टू टाइप से होती है, यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एस एन वन रिएक्शन एंड एस एन टू रिएक्शन। अब नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये कंप्लीट करने के बाद में अपन स्टार्ट करेंगे बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एस एन टू। तो नेक्स्ट क्लास में अपन को एस एन वन एंड एस एन टू के बारे में स्टडी करना है। थैंक यू।